खबर रीवा से है, जहां कलेक्ट्रेट के गेट नंबर 2 जिला पंचायत के सामने किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटा दिया। दरअसल पुराने कलेक्ट्रेट को गिराए जाने के बाद वेंडरों के द्वारा अपने लिए ठिकाना मांगा जा रहा था, जिसके लिए कुछ दुकानें निर्मित की गई थीं, लेकिन यहां बड़े वेंडरों को दुकानें मिली तो छोटे मोटे कारोबार करने वालों को गोमती लगाकर कारोबार करने की छूट दी गई थी। विगत दिनों कोर्ट के आदेश के बाद अवैध रूप से कब्जा जमाए लोगों को नोटिस जारी की गई थी, लेकिन अतिक्रमणकारी अतिक्रमण नहीं हटाया था, जिसके बाद तहसीलदार की मौजूदगी में पहुंचा पुलिस प्रशासन कलेक्ट्रेट के गेट नंबर 2 से जिला पंचायत के सामने तक किए गए अतिक्रमण को हटा दिया। हालांकि इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस प्रशासन एक नहीं सुना और कोर्ट का हवाला देते हुए अतिक्रमण हटा दिया गया। आइए दिखाते हैं पूरी कार्यवाही और सुनाते हैं अतिक्रमणकारियों ने क्या कहा है। हाईकोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अतिक्रमण हटाना है सार्वजनिक प्लेस से, और इसके बाद हमने आपको नोटिस दिया है, एक बार नहीं 10 बार नोटिस दिया है। हाईकोर्ट में इनने पिटीशन दायर कर दिया है, जिन लोगों ने वो क्या सही कर रहे हैं वो तो अब हाईकोर्ट करेगा ना। हम हाई कोर्ट के आदेश पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, हम उसका पालन कर सकते हैं। चाहे निकाल दो या चाहे तो बिठा दो, बस क्या है क्या इन दुकानों का पट्टा आप लोगों के पास है? पट्टा किसी के पास खत्म करो, जो पट्टा नहीं है तो आगे बढ़िए, जो आदेश पालन होगा। भाई स्थान कलेक्टर ले रहा, कलेक्टर खुद ले रहा पैसा, भाई पंजीरी से लाइसेंस बांट दिया तो वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बना रहे, कहाँ जाए भाई? करोड़ों का राजस्व कमा के दे रहे हैं स्टाम्प वेंडर और उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। हटाओ हटाओ हटाओ, चुनाव हो इधर बस बहुत जोड़े पहुंच गए हैं बोर्ड में आ गए, आज जहाँ चुनाव में जीत गए उसके बाद भूल गए हैं। है क्या कि एक राजेश कुमार शुक्ला जी हैं, तो उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में एक WP फाइल किया था कि यहाँ जो सार्वजनिक सड़क पर जिला पंचायत और अभिलेखागार के सामने सार्वजनिक सड़क पर जो दुकान किए हुए हैं इनका अतिक्रमण हटाया जाए। उस WP में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया कि इनका 3 महीने के अंदर अतिक्रमण हटाएं। ये बात है 2019 की। इसके बाद राजेश कुमार शुक्ला जी ने उक्त आदेश के लगाकर कलेक्टर महोदय के यहाँ अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर महोदय के यहाँ से भी 21 में ये आदेश हुआ कि धारा 248 के अंतर्गत इनका अतिक्रमण हटाया जाए। हमने विधिवत इनके प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं और इनको नोटिस दी है, आदेश पारित किया है और अतिक्रमण हटाने के पहले भी इनको सूचना दिया। इनके द्वारा नियत दिनांक तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया और माननीय उच्च न्यायालय में राजेश शुक्ला द्वारा कंटेम्प्ट फाइल कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने हमें 22 तारीख तक के लिए समय दिया है कि 22 तारीख तक आप अतिक्रमण हटा के हमको सूचित करो, तो बस वही माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में अपन अतिक्रमण हटा रहे हैं। 54 माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में ऐसी कोई व्याख्या नहीं है कि इनका व्यवस्थापन कहाँ किया जाए। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।